सरकार ने भले ही कृषि कानून वापस कर दिए लेकिन किसान अब भी आंदोलन के मूड में है। किसान अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। किसानों ने कुल सरकार से 6 मांगे रखी हैं, जिनमें एक नई मांग ये भी जोड़ी गई है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को हटाया जाए। लेकिन इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है MSP यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, इस पर कानून बने। अभी तक सरकार 23 फसलों पर MSP देती है लेकिन कुछ भी लिखित में नहीं है। बस किसानों का यही डर है कि ये MSP कभी भी बंद हो सकती है और इसीलिए उनकी मांग ये है कि अब MSP का कानून बनाया जाए। अर्थशास्त्र का एक धड़ा इस तरह से MSP दिए जाने का विरोध करता रहा है और अभी भी कर रहा है। ऐसा क्यों है ये आप समझिए। इसके लिए आपको सबसे पहले हम अमेरिका के एक उदाहरण को सामने रखेंगे। आपको ये देखना चाहिए कि आज से करीब 43 साल पहले जब अमेरिका ने अपने दूध के किसानों को MSP दिया था तो उनका क्या हाल हो गया था। सबसे पहले आप इसे देखिए। कहानी शुरू हुई 1977 में जब जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति बने। कार्टर एक किसान थे, उनके पहले की 6 पीढ़ियां अमेरिका में खेती कर रही थी, लेकिन जब वो राष्ट्रपति बने तो अमेरिका के किसानों को उनसे खासी उम्मीदें थी। अपनी कैंपेनिंग के दौरान उन्होंने किसानों के लिए कई घोषणाएं भी की थी। तो जब जिमी कार्टर राष्ट्रपति बने तो उन्होंने दूध के किसानों के लिए घोषणा की कि हर 6 महीने में दूध के दाम खुद ब खुद बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। अब ज्यादातर किसानों ने दूध का उत्पादन शुरू कर दिया। ये सवाल हुआ कि इस दूध का करेंगे क्या, इसे कौन खरीदेगा। सरकार ने तय किया कि वो खुद खरीदेगी ताकि दूध की डिमांड बढ़े और दामों पर कोई असर न पड़े। लेकिन दूध के साथ दिक्कत ये थी कि वो बहुत जल्द खराब होना शुरू हो गया। सरकार के पास स्टोर्स की कमी थी, वो कहाँ रखती, ये नई समस्या थी। बासी दूध तो किसी काम का नहीं था। अब अमेरिकी सरकार ने तय किया कि वो किसानों से दूध नहीं चीज खरीदेगी। सरकार ने चीज खरीदनी शुरू की, चीज बनाने वालों ने दूध खरीदा और दूध की डिमांड हाई बनी रही। सरकार ने चीज खरीदने के लिए एक दाम तय कर दिया जिसे आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP कह सकते हैं। इस दाम पर जो भी अमेरिकन सरकार को अपनी चीज बेचना चाहता था वो बेच सकता था, सरकार उसे खरीद रही थी। समस्या ये हो गई कि किसानों ने खराब चीज भी सरकार को बेचनी शुरू कर दी तो अमेरिकी सरकार ने चीज को टेस्ट करके अप्रूव करने वालों की भर्ती कर दी। अब चीज को चक्कर ही खरीदा जा रहा था। जल्दी ही अमेरिका में सारे सरकारी गोदाम चीज से भर गए। सरकार खरीदती जा रही थी, चीज जमा होती जा रही थी। सरकार ने एक बहुत बड़ा गोदाम भी बनाया जो जमीन के 35 फीट नीचे था और इसका आकार 120 फुटबॉल के मैदानों के बराबर था। अब साल 1980 आ गया था और तब तक जिमी कार्टर की सरकार चली गई और 1981 में रोनाल्ड रीगन अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने। सरकार तब तक भी चीज खरीद रही थी। 1981 में जब जिमी कार्टर के कार्यकाल का अंत हुआ तो डेयरी किसानों को सपोर्ट देने वाली इस योजना पर अमेरिकी टैक्सपेयर का $200 करोड़ यानी 14,875 करोड़ रुपए खर्च हो चुके थे और हर अमेरिकी के लिए 1 किलो सरकारी चीज मौजूद थी। इस चीज का सरकार क्या करती, इसलिए तय हुआ कि ये चीज गरीबों में बांट दी जाएगी। अब ये चीज तो खत्म हो गई लेकिन हर 6 महीने में दूध के दाम खुद बढ़ने वाला प्रावधान भी हटा दिया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार ने समस्या सुलझा ली। ये बेसिक डिमांड और सप्लाई की समस्या थी। सरकार एक गैर जरूरी दूध की डिमांड कर रही थी और किसान उस दूध की सप्लाई कर रहे थे। अब सरकार ने किसानों को फिर से पैसे दिए ताकि वो अपने दूध का उत्पादन कम कर सके। अमेरिका के इस उदाहरण को बिल्कुल अपने ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्योंकि अमेरिका के चीज प्रोग्राम का उदाहरण आज महत्वपूर्ण है। आपको इसलिए ये दिया ताकि आप MSP की समस्या को समझ सके, ताकि आप ये समझ सके कि अगर सरकार ने MSP की गारंटी वाला कानून पास कर दिया जैसा कि किसानों की मांग है तो उससे क्या नुकसान होगा। भारत में धान और गेहूं सरकार MSP पर खरीदती है और इसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। सरकार के पास पहले से ही कई गुना बफर स्टॉक मौजूद है, यानी सरकार अगर MSP पर किसानों से गेहूं या धान ना भी खरीदे तब भी उसका PDS का काम चल रहा है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बावजूद सरकार खरीदारी करती है। अब ऐसे में अगर खरीदारी की गारंटी ही तय हो जाए तो फिर इतना स्टॉक का सरकार आप बताइए करेगी क्या, और क्या इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा। कृषि कानून वापस होने के बाद भी किसान आंदोलन पर अड़े हुए हैं।
और अब बहस का मुद्दा है एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसानों की मांग है कि एमएसपी सुनिश्चित हो, इसका कानून सरकार पास करे। देश का प्रधानमंत्री न देश से माफी मांगे न ये माफी मांगने से इन किसानों को फसलों के रेट मिलेंगे, इनको रेट मिलेंगे एमएसपी पे गारंटी कानून बनाने से। ये एमएसपी गारंटी कानून देश के किसानों के लिए बनना चाहिए। एमएसपी गारंटी कानून बनाने से समस्या क्या है, उसे समझने से पहले आप ये समझिए कि एमएसपी है क्या। एमएसपी का शाब्दिक अर्थ हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी सरकार की तरफ से किसानों की अनाज वाली कुछ फसलों के लिए दाम की गारंटी होती है। सरकार अभी कुल 23 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। एमएसपी की गणना हर साल सीजन की फसल आने से पहले तय की जाती है। बाजार में उस फसल के रेट भले ही कितने ही कम क्यों न हो, सरकार उसे तय एमएसपी पर ही खरीदेगी। सरकार किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदती तो है, लेकिन वो ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा कानून नहीं है जो सरकार को किसानों से उनकी फसल एमएसपी पर खरीदने को बाध्य करता हो। किसान सरकार से ऐसा ही कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। अब हम आपको सरकार के डर की वजहों को बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एमएसपी का पूरा खेल समझना होगा। 1965 में भारत भयंकर अनाज के संकट से जूझ रहा था। तब भारत लाल गेहूं का आयात करने के लिए मजबूर था, जिसे PL 480 कहा जाता था। उस वक्त भारत का कोई अनाज बैंक नहीं होता था। भारत के पास पर्याप्त फॉरेन एक्सचेंज भी नहीं था, जिससे हम वैश्विक बाजार से कोई अनाज खरीद पाते। यहीं से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की शुरुआत हुई। इसके बाद हरित क्रांति आई और आने वाले कुछ सालों में भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। 1960 के दशक में हरित क्रांति में पंजाब की बड़ी भूमिका थी। पंजाब ने गेहूं और चावल उगाना शुरू किया, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। आज फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के पास बड़ी मात्रा में अनाज का भंडार है। अप्रैल 2021 में सरकार का अनाज का भंडार 8 करोड़ 17 लाख मीट्रिक टन था, जबकि 1965 में सिर्फ 70 लाख मीट्रिक टन अनाज खरीदने के पैसे नहीं थे। सरकार के इस बफर स्टॉक में मौजूद अनाज की कीमत 1,70,000 करोड़ रुपए है। ये एक तरह की डेट कैपिटल है, क्योंकि इतने अनाज की जरूरत ही नहीं। किसानों से एमएसपी पर खरीदे गए अनाज से सरकार सिर्फ पीडीएस में राशन बांटती है। इसके अलावा अगर बाजार में किसी अनाज की कमी होती है तो सरकार अपने भंडार से अनाज जारी करती है। भंडारों में रखा गया सरकार का ज्यादातर अनाज बर्बाद हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद सरकार हर साल किसान से अनाज खरीदती ही है, जो अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अगर सरकार सारी 23 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है तो 17 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी, जो कुल सालाना बजट के करीब 50% है। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अगर एमएसपी के जरिए सरकार किसानों को पैसा देती है तो आखिर में इसका सीधा असर देश की GDP ग्रोथ पर पड़ेगा। अगर कोई एमएसपी की लीगल गारंटी होती है तो किसानी जहां पे इतनी गरीबी है वहां पे आमदनी बढ़ेगी और उससे फिर किसानों का खुशहाली होगी। जब किसानों की खुशहाली होगी, जब उनके हाथ में परचेजिंग पावर आएगी, तो फिर GDP भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। अभी तो 23 क्रॉप्स में जो डिक्लेयर होता है एमएसपी, लेकिन जो असली में सिर्फ 3 ही क्रॉप्स हैं जहाँ पे कि वो ठीक से लागू हो पाता है। अब 23 जो फसलें हैं या उत्पाद हैं कृषि के, उससे जो बाकी और जो फसलें हैं वहाँ पे भी देने की ज़रूरत है। और फिर किसान शिफ्ट करेगा अपना जो उपज है वो गेहूं से और चावल से, वो और बाकी जो तिलहन हैं, बाकी दालें हैं, उनमें फिर ज़्यादा उगाना शुरू करेगा। भी सिर्फ 6% किसानों को MSP मिलता है। अगर जब 100% को यानी 94% जो बच गए उनको भी जब MSP मिलेगा तो जो कंजम्पशन लेवल है देखिए कितना बढ़ जाएगा। और वो जो कंजम्पशन लेवल होगा वो बूस्टर डोज फॉर द इकॉनमी नहीं होगा, वो रॉकेट डोज फॉर द इकॉनमी बन जाएगा। और उससे ऑब्वियसली जो हमारी GDP है वो दौड़ेगी। तो ये समझना है हमारे को कि ये भार नहीं है MSP देना देश के इकॉनमी के लिए, बल्कि ये उसको बूस्ट करता है। तभी मैंने हर जगह कहा है कि एग्रीकल्चर इज द ओनली सेक्टर दैट कैन रीबूट इंडियाज इकॉनमी। कुल मिलाकर एमएसपी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, कितनी मिलनी चाहिए, ये अब दो लोगों के बीच का मामला है, किसान और सरकार का। अगर सरकार ने कदम आगे बढ़ाया है तो किसान अब टेबल पर बातचीत करके एमएसपी को लेकर समाधान निकाले, आम जनता इससे परेशान ना।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।